और दोस्त, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सीपीए मार्केटिंग क्या होती है। पूरा डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीपीए मार्केटिंग समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीपीए का मतलब क्या होता है। सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन, मतलब कि आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे आपको उसकी एक कॉस्ट मिलेगी, या अगर मैं सही सही बोलूं तो आपको उसका एक कमीशन मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, जैसे कि ईमेल सबमिट ऑफर्स होते हैं, पेपर कॉल ऑफर्स होते हैं, ट्रायल ऑफर्स होते हैं, तो आप इनमें अगर कोई भी एक पर्सन को अपने ऑफर पे लाओगे और वो ट्रायल ऑफर रन करता है तो आपको कमीशन मिलेगा। जो सीपीए ऑफर्स होते हैं वो इजी होते हैं एज कम्पेयर टू अफिलियट ऑफर्स। जैसे अफिलियट ऑफर्स के बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, जैसे क्लिक बैंक, जेवीजू, शेयर असेल, वैसे ही सीपीए ऑफर्स के बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, जैसे मैक्स बाउंटी, पीयर फ्लाई, क्लिक डीलर। सीपीए ऑफर्स के नेटवर्क ज्वाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अफिलियट ऑफर्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये कमीशन की। तो कमीशन जो सीपी ऑफर्स में होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अफिलियट ऑफर्स, बट सीपी ऑफर्स ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट होते हैं, ज्यादा इजीली कन्वर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू अफिलियट ऑफर्स। अफिलियट ऑफर्स में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कोई प्रोडक्ट पर सेल लाने के लिए, बट सीपी ऑफर्स में आपको कन्वर्जन लाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अगर मेरे हिसाब से आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सीपी ऑफर से स्टार्ट करना चाहिए, और जब आपको सारी स्किल्स आ रहे हैं तब आप अफिलियट ऑफर शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।